Good morning everyone, today I am going to teach you Hindi. Our book's name is Wonder Year All in One Reading Book Class KG2. So let's start. तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे मात्राबोध. जब स्वरों को चिन्हों के रूप में व्यंजनों से जोड़ा जाता है तो वे मात्रा कहलाते हैं. स्वर तो आपने अपनी पिछली कक्षा में स्वर व्यंजन दोनों ही पढ़ लिया है ना. तो स्वर कौन कौन से होते हैं, अ आ इ ई, ये सभी हमारे स्वर हैं. और व्यंजन क्या है, क ख ग च छ ज ट ठ, ये सब हमारे व्यंजन हैं. जब व्यंजन और स्वर का मेल होता है तब अक्षर बनते हैं और अक्षर से ही शब्द बनाए जाते हैं. जैसे क धन अ क कलश, क धन आ की मात्रा का काजल, क धन छोटी ई की मात्रा की किरण, क धन बड़ी की मात्रा की कील, क धन छोटू उ की मात्रा कु कुम्हार, क धन बड़ू उ की मात्रा कु कूदना, क धन री की मात्रा क्री कृषि, क धन ओ की मात्रा सॉरी क धन ए की मात्रा के केला, क धन ए की मात्रा के कैलाश, क धन ओ की मात्रा को कोयल, क धन अ की मात्रा कौ कौवा, क धन अम की मात्रा कम कंगन. अब आहा तो बिल्कुल खाली होता है. देखिए बच्चों, यहाँ पर आ की मात्रा के कुछ शब्द दिए गए हैं और साथ ही चित्र दिए गए हैं. आप चित्र देख के पहचान लेंगे. जैसे ये किसका चित्र है, गाय. अब गाय लिखना कैसे है, ग ग में आ की मात्रा गा य गाय. छाता, छ छ में आ की मात्रा छा, ता में आ की मात्रा ता छाता. ठीक है, इन्हें आप पढ़िए. अब हम मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाएंगे. जैसे ल धन आ की मात्रा धन ल लाल, न धन ना की मात्रा ना धन क नाक. ऐसे ही कुछ शब्द आप भी जोड़कर बनाइए. ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आ की मात्रा में चिन्ह लगाना है जिसमें आ की मात्रा लगी हो. बस यहाँ पर आ की मात्रा लगी है, नहीं लगी है तो यहाँ पर चिन्ह नहीं लगाएंगे. यहाँ पर ग गा में आ की मात्रा गा जर गाजर, यहाँ पर आ की मात्रा है तो यहाँ हम राइट का चिन्ह लगा देंगे. भवन भवन, इसमें तो नहीं है. म मा में आ की मात्रा मा, त ता में आ की मात्रा ता माता, इसमें आ की मात्रा है तो हम इसमें चिन्ह लगाएंगे. अ अ में आ की मात्रा आ, म आम, यहाँ पर आ की मात्रा है चिन्ह लगा दिया जाए. जग जग, इसमें तो मात्रा नहीं है. द दा में आ की मात्रा दा, द दा में आ की मात्रा दा दादा, इसमें आ की मात्रा है तो चिन्ह लगा दें. घर, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है तो चिन्ह नहीं लगाएंगे. बहन बहन, इसमें भी कोई भी मात्रा नहीं है. कपड़ा क पड़ा, में आ की मात्रा डा कपड़ा, इसमें आ की मात्रा है तो हम इसमें चिन्ह लगा देते हैं. अब यहाँ पर देखिए, आप चित्र देखकर चिन्ह लगाएंगे. जैसे ये कौन सा चित्र है, ये सब देखे हैं, सब पकड़े भी हैं. क्या ये बादल है, ब बा में आ की मात्रा बादल की छाता है, छ में आ की मात्रा छाता में आ की मात्रा ता. हाँ, यह तो छाता है तो छाता में यहाँ राइट लगा देंगे. अब ये क्या है, गमला, ग म ल में आ की मात्रा ला गमला या ऊँट, ये ऊँट है नहीं, ये तो गमला है. अब ये क्या है, पानी में बहता हुआ जहाज. अब इसे पढ़कर देखते हैं, क्या यह जहाज है. अ आम्या की मात्रा आस, म माम्या की मात्रा मान, आसमान है, क्या यह जहाज है. ज ह हाम्या की मात्रा हाज, जहाज, हाँ यह जहाज है, इसमें हम राइट लगा देते हैं. अब ये क्या है, ये तो कुछ डिब्बे सा लग रहे हैं, इसे पहले पढ़ लें. म माम्या की मात्रा मा, ल लाम्या की मात्रा ला माला, ये माला नहीं हो सकता. क काम्या की मात्रा काजल, काजल, हाँ ये काजल है, इसमें हम राइट लगा देते हैं. अब ये क्या है, घ घाम्यो
ओ की मात्रा घोड़ा, ड़ा में एक मात्रा ड़ा घोड़ा, य ग में आ की मात्रा गाय गाय। क्या ये घोड़ा है? नहीं, ये तो गाय है, तो गाय में हम चिन्ह लगा देते हैं। अब ये क्या है? गोल गोल लाल लाल टमाटर। पढ़ते हैं, चलो टमाटर ढूंढते हैं, दोनों में से कौन सा है? प पा में आ की मात्रा पालक, पालक। नहीं नहीं, ये तो टमाटर नहीं है। ट मा में आ की मात्रा माटर, टमाटर। हाँ, यह टमाटर है, तो इसमें हम टिक लगा देते हैं। थैंक यू।